इस वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सिक्स है। ओके, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? देखिए, आपने ऑस्मोसिस, हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऑस्मोसिस में देखिए, एक तो होता है पानी का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो भी पानी के हायर कॉन्सेंट्रेशन से पानी के लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ओके, ऑब्वियसली हम ये बुक फॉलो कर रहे हैं ICSE बोर्ड का, उसके बेसिस पे। तो देखिए, व्हेनेवर द सब्सटेंस लाइक आयंस, सॉल्ट एंड मिनरल्स मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, डिफ्यूजन में हायर से लोअर जा रहा था, ठीक है, ऑस्मोसिस में हायर से लोअर, लेकिन पानी का मूवमेंट था, पानी के मॉलिक्यूल्स का। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन है। ओके, ठीक है, मतलब ये सब जो सॉल्ट वगैरह, आयंस वगैरह ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, जब आप आंसर लिखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो बोलेगा, आपको बोलना होगा कि दे यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म भी लिखने आता है, ATP क्या है। ओके, ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यही प्रोसेस हमारा हो गया, इसे हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस कर लिया? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये रूट है। देखिए, हमने क्या पढ़ा कि रूट हेयर एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मिनरल को ध्यान में रखिए, मिनरल को रूट हेयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन पानी को ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब करता है। ये हमने देखा है, पानी को ऑस्मोसिस से, मिनरल, आयन, सॉल्ट, ये सबको ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर देखिए ये स्टेटमेंट, वाटर देन डिफ्यूजेज इन टू द डीपर पार्ट ऑफ द रूट्स बाय सेल टू सेल ऑस्मोसिस। अब देखिए, सेल सेल के बीच में भी तो ऑस्मोसिस होता है, तो जो सोचिए कि अंदर वाले जो वो है डीपर पार्ट से रूट का, रूट सोचिए कि एक सोचिए ऐसे रूट है, ठीक है, ऐसे रूट हेयर है, तो उसके अंदर अंदर तो जाना है पानी को, कैपिलरी वाटर को, तो वो सेल सेल से ऑस्मोसिस, मतलब एक सेल से बगल वाले सेल में ऐसे करके वो पास करता है, ठीक है। फिर वो रूट के टिश्यूज में जाता है, फिर जाइलम जाता है, इट पासिस थ्रू रूट टिश्यूज टू द जाइलम इन द रूट्स विच कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब कहाँ हम लोग को जाना है, आप सोचिए कैसे आपका आपका प्लांट है, सोचिए ऐसे, ठीक है, प्लांट है, उसमें लीव है, ठीक है, स्टेम है, उसका लीफ है, पूरे तरफ तो पहुंचाना है उसको, ऐसे तो नहीं कि बस रूट लेके रख लेगा, वो ले रहा है क्योंकि उसको एसेंट ऑफ सेप करना है, देना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पानी को धीरे धीरे सेल टू सेल जाता है पहले, फिर वो रूट टिश्यूज में जाता है, फिर जाइलम जाता है, रूट के जाइलम। देखिए, जाइलम फ्लोएम के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग, रूट के जाइलम में जाता है, फिर वो प्लांट, स्टेम और लीव में चला गया, फिर वो लीव को देखिए खाना बनाना है, उसको यूज करना है, वो हिसाब से यूज करेगा। ऑस्मोसिस का रोल देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट। ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है उससे, ठीक है, और ऑस्मोसिस से ये भी, हाँ, सेल टू सेल ऑस्मोसिस भी तो अभी हमने बोला, ये देखिए ना, सेल टू सेल ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अब रूट हेयर में सोचिए, एक इधर एक जगह एब्जॉर्ब हुआ ना, अभी तो बहुत सारे छोटे 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 सेल्स है, एक से दूसरा, दूसरे से ऐसे करके जाने में भी ऑस्मोसिस हमारा हेल्प करता है। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में कंडक्शन ऑफ सैप भी देख लेते हैं कि कंडक्शन ऑफ सैप क्या है, क्या है ये देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, जो वाटर हमारा जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसे हम सैप बोलते हैं। क्यों सैप बोलते हैं? क्योंकि वो होता है हमारा डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल। डायल्यूट सॉल्यूशन मतलब डायल्यूट, आपको पता है ना कॉम्प और डायल्यूट, आपने केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा कि डायल्यूट मतलब पानी मिला हुआ, तो वो क्या होता है, मिनरल का पानी मिला हुआ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो एसेंट ऑफ सैप या कंडक्शन क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर और सैप फ्रॉम रूट टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द प्लांट। मतलब ये हमारा जो रूट है, आप सोचिए कि ये देखिए इतना ऐसे तो नहीं बना सकते, तो पर्पल कलर का पेन है, पर फिर भी आप सोच लीजिए, विजुलाइज कीजिए कि रूट से पानी अगर सोचिए एब्जॉर्ब हुआ, वहाँ से स्टेम से लेके वो लीफ तक जाएगा, उसे हम कहेंगे कंडक्शन या एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। ये कैसे होता है, ट्रेकियाइड्स वेसल्स ऑफ द जाइलम टिश्यूज। तो ये पूरा इसका, ये हम लोग अलग से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे ये वाला पूरा। ओके, अभी के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, थैंक यू।